एक स्टूडेंट हैं रतेंद्र, और 311 आईडी से उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया है। पूछ रहे हैं, सर मैं बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स में 1 नंबर से फेल हूँ, मैथ्स में 2 नंबर से फेल हूँ, क्या कोई सॉल्यूशन होगा इसका? एक छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर सपोज़ कीजिए आप एक एक दो दो नंबर से अगर फेल हो रहे हो, तो दो सब्जेक्ट में फेल हो इसलिए हमकी ईयर बैक लग रही है। किसी तरीके से अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाओ तो दूसरे में आपको ग्रेस मिल जाएगी, तो इस तरीके से आप पास हो सकते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन है, आप क्या करो, दोनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो किसी एक सब्जेक्ट का आप बैक का एग्जाम भर दो। तो बैक के एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हो तो सेकेंड वाला जो रह जाएगा, एक एग्जाम जिसमें आप पास नहीं हुए हो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी और आप जो है वहां पर पास हो जाएंगे। तो ऐसा करके देखो एक बार, आप इसके बारे में कॉलेज में भी एक बार इंफॉर्मेशन ले लो कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी। तो आई थिंक ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना, एक बार बात कर लेना, तो आई होप आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह की एक प्रोसेस होती है, एक बार देख लेना शायद, ठीक है, थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लेना इसके बारे में, पूरी जानकारी लेके फिर भर देना। तो आई होप आपको जो मैं समझाने जा रहा था वो समझ में आ गया होगा। एंड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।